आज इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत यूजफुल प्रोडक्ट लेकर के आई हूँ, मिनी ड्रिल स्टैंड। इस ड्रिल स्टैंड की मदद से आप अपनी 10 या 13 mm की ड्रिल मशीन को बहुत ही आसानी से पीलर ड्रिल मशीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन शॉर्ट, दिस स्टैंड इज वेरी यूजफुल फॉर स्मॉल वर्कशॉप्स फॉर क्विक एंड इजी स्ट्रेट ड्रिलिंग एप्लीकेशंस ऑन वुड एंड मेटल। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, इसकी असेंबली करेंगे और प्रैक्टिकल डेमो भी करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने हर वीडियो में आपके लिए नए नए प्रोडक्ट्स लेकर के आती हूँ। यदि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। लेट अस स्टार्ट। ये VTR Powerex का जो है ड्रिल स्टैंड है, जिसका मॉडल VPX DS6102 है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो है इसकी जो स्पेसिफिकेशंस है मैं आपको बता देती हूँ। इसका जो ये कॉलम हाइट है ये 400 mm है, और जो इसका वर्किंग लेंथ है वो मैं अंदर खोल के भी दिखाऊंगी, 60 mm है। और इसका जो ये कॉलेट है, होल्डिंग कैपेसिटी है, ये 43 mm है। तो चलिए मैं इसको खोल करके आपको जो है इसके अंदर की किस तरह से अटैचमेंट्स है वो सारी दिखाती हूँ। ये यूजर मैनुअल है और ये अटैचमेंट्स आप एक बार सारी देख लीजिए, ताकि जब भी आप इस प्रोडक्ट को खरीदें तो आप अपने अटैचमेंट्स मैच कर लीजिएगा। ये मैं आपको जो है लिफाफे से निकाल करके सारी अटैचमेंट्स जो है दिखाती हूँ। ये सारी अटैचमेंट्स आपको जो है इस बॉक्स के अंदर मिलने वाली है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप जो है हम इसको असेंबल करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे ये इसका बेस है, और बेस पे दो एलन बोल्ट लगे हुए हैं। तो इसके अंदर आप देखेंगे आपको जो है एक एल की भी दिया हुआ है, जिसकी मदद से जो भी एल बोल्ट इसमें लगते हैं उसको खोलने चढ़ाने में आपको जो है इजी हो जाता है। तो ये एक एल की है। तो सबसे पहले जो है हम ये स्ट्रेट इसका जो ये रॉड है ये इसको फिट करेंगे। ये दोनों स्क्रूज जो है हम लूज करेंगे, और लूज करके जो है हम इसको बिठाएंगे, और ये दोनों स्क्रूज जो है अच्छे से टाइट कर देंगे। दोनों स्क्रूज हमने अच्छे से टाइट कर दिया है। आप देखिए ये बिल्कुल रॉड इसके अंदर फिट हो गया है, बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है। उसके बाद जो है आप देखेंगे तो ये एक अटैचमेंट मिला है, ये अटैचमेंट इसके टॉप पे लग जाता है। इस तरह से जो है ये इसके टॉप पे हम इसको इस तरह से बिठा देते हैं, तो ये इस तरह से अटैचमेंट इसके टॉप पे लग जाएगी। तो रॉड को असेंबल करने के बाद जो है ये हमारा स्टॉपर है। स्टॉपर में आप देखेंगे तो इसमें जो है एल बोल्ट लगा है, दूसरी तरफ नट है। तो इसको हम जो है लूज करेंगे, हम उतना लूज करेंगे कि ये रॉड के ऊपर जो है चढ़ जाए। तो इस तरह से जो है हम इसको अभी नीचे ही कर देंगे, क्योंकि जितना हमें मशीन का सेटिंग करना है उसके हिसाब से जो है उस पोजीशन पे हम इसको टाइट करेंगे। अब हम जो है इसका जो ये अपर पार्ट है इसको इसके ऊपर लगाएंगे। तो ये देखिए, ये जो है इसमें जो होल बना था इसके अंदर से हमने इसको निकाला है रॉड को, और रॉड को निकालने के बाद जो है अब हम ये जो इसका हैंडल अटैचमेंट है पहले इसको लगा लेते हैं। आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है ये देखिए एल बोल्ट लगा हुआ है। एक ये जो आप देखेंगे स्ट्रिप है ये ऑलरेडी एक तरफ से फिक्स है, और यहाँ पे जो है हमें इसको लगाना है। तो अभी हम इस बोल्ट को खोलेंगे। तो ये बोल्ट हमने निकाल दिया है, और ये हैंडल जो है हम इसमें फिट करेंगे और बोल्ट को टाइट कर देंगे। और ये हमें जो है ये देखिए, एक हमें जो है ये बोल्ट विद नट दिया हुआ है। तो ये जो हैंडल का दूसरा होल है, और ये जो हमारा यहाँ पे लगा हुआ है इस पे जो होल है, इन दोनों को हम जो है इस बोल्ट से
टाइट करेंगे। इसको आपने कितने हाइट पे रखना है वो आप अपने जॉब के हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों ये वाला बोल्ट जो है मैंने एल की मदद से कम्प्लीटली टाइट कर दिया है, और जो दूसरा वाला बोल्ट है आप देखेंगे तो ये जो है स्टार बोल्ट है, इसमें जो है हमारा स्क्रू ड्राइवर लगा करके हम इसको टाइट करेंगे। तो इसको जो देखिए अभी हम इसको टाइट कर देंगे। तो ये वाला स्क्रू भी जो है हमारा टाइट हो गया अच्छे से। तो ये हैंडल जो है हमने टाइट कर दिया है और ये स्टॉपर जो है मैंने इस तरफ कर दिया है। इसकी पोजीशन में जॉब जब सेट करूंगी तब उसके अकॉर्डिंग ये फाइनली सेट करेंगे। तो अभी जो है हम इसके ऊपर जो है ड्रिल मशीन लगाएंगे। तो मैंने जो है 13 mm का ड्रिल मशीन लिया है। दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे ये बोल्ट है, इसको मैं थोड़ा लूज करूंगी ताकि मेरा ड्रिल मशीन जो है इसके अंदर बैठ जाए। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था इस कॉलेट का डायमीटर 43 mm मैक्सिमम है, तो मेरी जो 13 mm की ड्रिल मशीन है वो तो डायरेक्ट इसमें बैठ जाती है। अगर सपोज आप 10 mm की ड्रिल मशीन लगाते हैं और होल ये बड़ा होता है तो आपको ये दो जो है कॉलेट्स भी मिले हुए हैं ताकि आप इसके अंदर डाल के उसको अपना जो है मशीन को बिठा सके, तो आप जो है इसको लगा सकते हैं। बट 13 mm में मेरे को ये लगाने की जरूरत नहीं है, मेरी मशीन पूरी एज इट इज इसमें बैठ जाएगी। दोस्तों ये दो कॉलर्स दिया है, एक अगर टूट जाए तो एक एक्स्ट्रा आपको इसके साथ दिया हुआ है। तो ये अभी हम नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारा मशीन जो है डायरेक्ट इसमें बैठ जाएगा। तो चलिए मैं इसमें मशीन लगा रही हूँ। अभी आप देखिएगा मशीन को किस डायरेक्शन में हम इसको रखेंगे। तो दोस्तों ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इस पोजीशन पे जो है मशीन को रखना है ताकि आपको जो है ऑपरेट करने के लिए, आप देखिए हम कैसे पकड़ेंगे इसको, इस तरह से यूज करना है। तो इस तरह से जो है आपकी ग्रिप ठीक बनती है तो मशीन की जो पोजीशन है वो इस तरह से रहेगी। और इसको जो है देखिए मैंने इस कॉलेट में डाल दिया और अब हम जो है इसका स्क्रू अच्छे से टाइट कर देंगे। तो ये हमने जो है मशीन इसमें अच्छे से टाइट कर दिया है। तो अभी जैसे मैं इसके ऊपर जो है वुड के सैंपल के ऊपर जो है आपको ड्रिल करके दिखाऊंगी। तो मैंने जो है एक वुडन वुड का, ये देखिए मैंने ये वुड का एक ब्लॉक लिया है, तो वुड का ब्लॉक मैं यहाँ रखूंगी और इसके हिसाब से जो है मैं अपनी ड्रिल मशीन की सेटिंग करूंगी। और अब हम जो है इसके ऊपर बिट लगाएंगे। तो ये देखिए मैंने बॉश का जो है स्पेशल वुड बिट लिया है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बिट है ये, तो हम इसको यूज करेंगे। तो उसके लिए जो है हम अपना जो ड्रिल चक है, जो हमें ड्रिल की इसके साथ मिलती है ड्रिल मशीन के साथ, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ड्रिल की होती है। इस ड्रिल की मदद से जो है हम चक को खोलते और चढ़ाते हैं, तो इससे हम लूज करके बिट को अंदर फिट करके टाइट करेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से हम इसको जो है टाइट कर रहे हैं और बिट बिल्कुल अच्छे से कंप्लीटली हम टाइट कर देंगे। तो ये बिट हमारा जो है टाइट हो गया है। और दोस्तों इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया था 60 mm डेप्थ जो है हम इसमें ड्रिल कर सकते हैं। तो आप यहाँ देखिए यहाँ स्केल बना हुआ है जिसमें 60 mm तक का जो है स्केलिंग करी हुई है। ये हमने जो है एक वुड का जॉब लिया है जिसके ऊपर जो है हम 10 mm डेप्थ का जो है ड्रिल करेंगे। 6 mm की मैंने ड्रिल बिट ली है, 10 mm जो है मैं डेप्थ में जो है इसमें ड्रिल करूंगी। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस अटैचमेंट को थोड़ा नीचे लेके आएंगे जॉब के पास, और जॉब के बीच में आपका 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रहना चाहिए। इसको जो है हम लूज करके नीचे लेके आएंगे।
तो 5 सेंटीमीटर गैप छोड़ने के बाद जो है हमने इसको टाइट कर दिया है। तो ये देखिए अब हम अपना जैसे एक जॉब ड्रिल करेंगे तो फटाफट से हम दूसरा जॉब लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हमारा जॉब जो है इजीली निकलना चाहिए। इस तरह से हम इसको जो है इसकी क्लोज सेटिंग करते हैं। तो अब हम जब हम इसमें 10 mm का ड्रिल करेंगे तो यहाँ पे जो है हम इसकी सेटिंग जो है 15 मतलब +5 जो है आप उसको करेंगे। अगर आप 15 की सेटिंग करेंगे तो ये 10 mm का जो है ड्रिल करेगा। तो दोस्तों ये मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ, ये देखिए। तो इसमें जब मैंने 10 mm का ड्रिल करना है तो इसमें जो है आपको जैसे मैं इसको साइड करके दिखाती हूँ, जैसे मुझे 10 mm का ड्रिल करना है तो जब ये मेरा नीचे जाएगा तो आप यहाँ देखिए तो ये जो है 15 जो है रीडिंग आपको दिखाएगा। यहाँ पे 15 mm दिखाएगा, 15 mm यहाँ दिखा रहा है। इट मीन्स कि मेरे जॉब के ऊपर 10 mm का ड्रिल होगा ये। और इस पोजीशन पे जो है हम इस स्टॉपर को, इस स्टॉपर से उस पोजीशन को टाइट कर देंगे ताकि मेरी हर बारी जॉब पे जो है 10 mm की जो है ड्रिलिंग डेप्थ हो। दोस्तों ये 15 mm जो डेप्थ मैंने यहाँ सेट कर रखा है और ये जो बॉटम का स्टॉपर है इसको हम टाइट कर देंगे अच्छे से। ये देखिए ये बॉटम का स्टॉपर जो है ये टाइट हो गया है तो ये अपने आप रुक जाएगा। जब मेरा 10 mm डेप्थ अंदर जॉब पे हो जाएगा तो यहाँ पे मेरा जो है ये मशीन जो है स्टॉप रुक जाएगा, उससे आगे ड्रिल नहीं करेगा। और साथ में जो आप देखेंगे यहाँ पे जो स्क्रू है इसको भी हम टाइट कर देंगे। तो इसके जो कंट्रोल है दोनों तरफ से कंट्रोल हो जाता है। अब मैं देखिए ये जो है मेरी जॉब, ये मैंने इसको जो ऊपर उठा दिया है और ये देखिए आप मेरा जॉब इस तरह से जा रहा है। और जब मैं इसको ड्रिल करूंगी तो ये जो है 10 mm डेप्थ पे अपने आप रुक जाएगा। तो अभी मैं आपको जो है ड्रिल करके भी दिखा देती हूँ। दोस्तों आप देखेंगे इसके ऊपर जो है ये जो मैंने लगाया था कनेक्टर, इसके बीच में जो है हम अपनी वायर को लगा सकते हैं। ये देखिए इसमें जो है इस तरह से जो है हमारा वायर फिक्स हो जाता है। और वायर को खोल करके अभी हम जो है इसमें आपको ड्रिल करके दिखाएंगे। तो दोस्तों अब ये पूरी सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो इस जॉब पे जो है अब हम 10 mm का ड्रिल करेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब भी आप इस पिलर ड्रिल मशीन को यूज करते हैं तो यहाँ पे 2 होल दिए हुए हैं, आपको बोल्ट लगा करके बेंच पे इसको माउंट करना है। इस तरह से नहीं चलाना है। मैं तो सिर्फ आपको डेमो देने के लिए जो है इसको चला रही हूँ, एक दो ड्रिल मार के दिखाऊंगी, लेकिन आप लोगों ने पूरा सेफ्टी करके इसको पूरा माउंट करके ही यूज करना है। ऐसे बिना माउंट करे यूज नहीं करना है। तो ये मैं जॉब जो है इसके ऊपर रख रही हूँ। ये देखिए ये जॉब हमने लगा दिया, हमने सारी सेटिंग इसकी कर ली है। तो चलिए अब हम आपको ड्रिल करके दिखाते हैं कितने फास्ट जो है और इजिली हम इसमें ड्रिलिंग करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों कितना फास्ट और इजीली जो है हमने कितना सारा ड्रिल जो है अपनी जॉब के ऊपर फटाफट से कर लिया। बहुत ही यूजफुल स्टैंड है ये आपके लिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का ये प्रोडक्ट आपको जो है बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा मेरा वीडियो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं, इसका लेटेस्ट प्राइस जानना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यदि इस प्रोडक्ट से रिलेटेड आपकी कोई और इंक्वायरी है तो आप अपनी इंक्वायरी कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, मैं उसका जवाब आपको जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूंगी। मैं आपको बता दूं हम लोग इसकी डिलीवरी जो है आपको ऑल ओवर इंडिया दे सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय।